बाहर का कहाँ का? बाहर का कहाँ? बाहर से पश्चिम बंगला का, बाहर से शुभेंदु आदमी लेकर आया। जमीन पर अगर सब दीदी के समर्थक है, दादा के समर्थक कहाँ छिपे बैठे? क्योंकि दादा की भीड़ रैलियों में तो भीड़ नजर आती है। बाहर का सारे लाने है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन में क्या समस्या है? जुमलावाज है मोदी जी, जुमलावाज है। किस लिए? बोंडोला हमको देने का वादा किया। खुलकर कहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात तो है नहीं। वैसे वो तो हिंदू तो खुले हम कर रहा है जो पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी है, इसलिए कही ये बात। वो शुभेंदु कर रहा है। तो नंदीग्राम की धरती से लगातार जारी हमारी सबसे बड़ी कवरेज। आपको बता दें कि कुलचिमा प्राइमरी स्कूल है मेरे पीछे, वहां से पोलिंग बूथ से वहां से निकलकर कुछ महिलाएं सामने आई हैं। जैसा कि मैंने लगातार आपको बताया कि इस चुनाव में सबसे दिलचस्प चीज़ ये है जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में या मध्य प्रदेश के चुनावों में, राजस्थान के चुनावों में देखने को नहीं मिलती, वो है कि महिलाएं जो हैं यहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। चाहे रैलियां हों, जितनी भी रैलियां हैं उसमें महिलाओं को ज्यादातर संख्या में देखा गया। इसके साथ ही पोलिंग बूथ के बाहर भी महिलाएं वोट देकर बाहर निकली हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो ये एरिया है, यहां पर माहौल दरअसल किसकी ओर बढ़ता दिख रहा है। तो ऐसे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इस क्षेत्र से दीदी या दादा किसका पलड़ा भारी है? दीदी दीदी दीदी, शुभेंदु का लड़का गद्दार है, चोर है, बदमाश। कल तक अच्छा ये बताइए कल तक जो शुभेंदु अधिकारी यहीं से जीतते थे, वो आज अचानक से बदमाश कैसे हो गए? উনি অনেক চুরিহারি করেছে, ওই জন্য উনাকে আমরা চাই না, আমরা দিদিকেই চাই। ও মির্জাফর, ও আমাদের অনেক চিটিংবাজি করে নিয়ে গেছে। আচ্ছা শুভেন্দু অধিকারী, দেখিয়ে শুভেন্দু অধিকারী তো বড় কনফিডেন্স কে সাথ কে রে কি 50,000 ভোটো সে ও ইয়াহ সে জিতনে ওয়ালে হ্যায়, তো ই কনফিডেন্স আতা কাহাঁ সে? 1,00,000 ভোট মে ও হারেগা, 1,00,000 ভোট মে হারেগা। তো দেখিয়ে 1,00,000 ভোট সে ও হারেঙ্গে, ও এসা ইয়াহ পর মহিলায়ে বাতা রহি হ্যায়। ইয়ে বাতাইয়ে, আপ ভোট দেকার আই হ্যায়? वोट देकर आई है दीदी या दादा? दीदी दीदी दीदी, सब दीदी की समर्थक है, सब दीदी को वोट दे। अच्छा ये बताइए, तो ऐसे में ये चीज जो है, ये सवाल जो है काफी दर्शक भी पूछ रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि अगर आप सब दीदी के समर्थक हैं तो दादा के समर्थक कहाँ है? आपसे बात करते हैं, दादा मिर्जापुर, दादा के क्यों चाहिए? जमीन पर अगर सब दीदी के समर्थक हैं, दादा के समर्थक कहाँ छिपे बैठे? क्योंकि दादा की भीड़ रैलियों में तो भीड़ नजर आती है। कल तक, अच्छा एक बात बताइए, बड़ा एक वाजिब सवाल है, कल तक जो दादा थे वो भी तो दीदी के ही थे, तो आज वो अलग होके एकदम से कैसे बदल गए? ये प्यार जो है, जो इतने सालों से जो प्यार था वो नफरत में कैसे तब्दील हो गया? हम लोग से गद्दारी किया। कैसे गद्दारी किया? पार्टी बदल देना, ये तो डेमोक्रेसी में आधार है कि हाँ पार्टी बदल सकते हैं। दीदी का साथ गद्दारी किया, पढ़ाशुना करछे, कन्याश्री, रूपश्री, युवश्री, समस्त किछु करछे, বার্ধক্য ভাতা পর্যন্ত, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত খেতে পাচ্ছে, কি করেনি দিদি? সবার জন্য কিছু করেছে। আচ্ছা কোই अगर इनकी बात को ट्रांसलेट कर सके तो बता सके मुझे क्या आपका? ये कह रहे हैं दीदी के ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं है, बद्धता भाता है, रूपश्री, कन्याश्री, सब कुछ मिला है दीदी की वजह से। अच्छा लेकिन रेशन भी मिला है, इन लोग का कहने का मतलब यही है, तो इन लोग का नहीं, हमारा भी कहने का मतलब यही है। तो लेकिन दीदी की जगह यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी देख रहे थे ना काम अभी तक, तो वही आगे अगर इसी तरीके का विकास कराते रहे, इस पे क्या आशंका है? शारदा नारोदा का टाका जो है ना, उसी का चक्कर में वो जेल में घुसने का बाद बीजेपी को पकड़ लिया। अच्छा मोदी जी तो कहते हैं कि परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन में क्या समस्या है? तो जुमलावाज है मोदी जी, जुमलावाज है। किस लिए? 1,00,000 हमको देने का वादा किया। किसी का खाता में नहीं है, वो तो खाता में नहीं है, एयरलाइंस बिक्री कर दिया। मोदी जी कहते हैं उज्ज्वला योजना आई, हर किसी के घर में गैस पहुंच गई, मोदी जी कहते हैं शौचालय बना दिए। आज के गैस कितना रुपया में मिलता है? 900 रुपया में मिलता है। दीदी फ्री में खाद दे रहा है, उसमें गैस के दाम उसमें 900,000 रुपया है, कहाँ से गरीब आदमी को देखे, कौन देख रहा है? इसी से पता लग रहा है ना गरीब आदमी के लिए। अच्छा यहाँ पर ये बताइए, दीदी की वजह से यहाँ पर माहौल जो है टीएमसी की तरफ है, यहाँ पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसे ही माहौल नजर आ रहा है? पूरा पश्चिम बंगाल में। जी आप बोलिए, नहीं आप उत्सुक हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी का राज चल रहा है और चलेगा। शुभेंदु अधिकारी 10 साल इधर था, सबको प्यार से सबके साथ मिल के चल रहा था, लेकिन उन्होंने डर के मारे यहाँ से दीदी के साथ था, दीदी को छोड़ के चला गया। अच्छा ठीक है, ग्राउंड से क्योंकि बात कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश करिए कि जब टीएमसी में सब कुछ इतना बढ़िया था तो टीएमसी से निकलकर इतने सारे नेता बीजेपी में क्यों चले गए? टीएमसी बढ़िया था नहीं, अभी भी बढ़िया है। बीजेपी में क्यों पहुंच गए इतने सारे टीएमसी के नेता? आप तो बीजेपी के अंदर खुद एक छोटा सा टीएमसी बन गया। शुभेंदु अधिकारी अपने खुद के चक्कर में कुछ नेताओं को लेके गया, वो लोग क्यों गया मालूम है? पद के लोभी, पद चाहते हैं। वो खुद बोलता है ना कि मेरे को लैंप पोस्ट की तरह खड़ा करके दीदी ने पूरा काम किया,
तो 10 साल युद्ध है यहाँ पे टोटल पूर्व मेदिनीपुर एरिया में, 10 साल उसने पूरा एरिया को देखा, देखने के बाद जो भी किया उसने किया, दीदी ने पूरा उसके हाथ में छोड़ा था, दीदी पूरा उसके हाथ में छोड़ा जब था। पकड़ में आ गया तब जब पकड़ में आया दीदी के, तो वो सोचा कि अब मेरा जगह नहीं है यहाँ पे, मैं दूसरा पार्टी में जाऊंगा या जेल जाऊंगा। ठीक है, ये बताइए बीते 10 साल तक ममता बनर्जी की आपकी सरकार रही, ठीक है, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहाँ पर कहते हैं, इस जमीन सर आकर कहते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन में समस्या कहाँ आ रही है? 10 साल उन्हें दिए क्योंकि उससे पहले भी तो यहाँ पर परिवर्तन किस लिए होगा? खून खसारा जो हिंदू मुसलमान इशू लेके आता है, मोदी चाहता है परिवर्तन का मतलब वो चाहता है हिंदू मुसलमान का दंगा लाना चाहता है, हम लोग ये नहीं चाहता है, इसीलिए परिवर्तन नहीं चाहता है। तो वो लोग तो खुलकर कहते हैं, तो खुलकर कहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात तो है नहीं, वैसे वो तो हिंदू तो खुले हम कर रहा है वो कर रहा है, ये पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी है, किसने कही ये बात? वो शुभेंदु कर रहा है पाकिस्तानी, बीजेपी की नीति है, बीजेपी का नीति है, बीजेपी का झूठा करना। अच्छा वो तो कह रहे हैं, देखिए आप जो पूरा मुद्दा था, मैं नहीं बिल्कुल आ रहा हूँ, यहाँ पर जो पूरा मुद्दा था आपने दरअसल बदल दिया, आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये बताइए इसके साथ ही वो विकास की बात भी कर रहे हैं कि हम विकास लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें। वो जितना भी बीजेपी जितना टाइम में किया, एक भी उन्नयन का बात किया है नहीं किया है, क्या क्या है जो हम पाकिस्तानी है जियाती है और क्या बात, आप जितना भी बात है आपसे ऐसी बात किसने कही जो आप ये बात कह रहे हैं? शुभेंदु भी कहा है शुभेंदु, वो तो टीवी में भी है, चंद दिनों पहले तो वो टीएमसी में ही थे ना, तो उनके विचार कैसे बदल गए? बिल्कुल मेरे दर्शक दरअसल ये जानना चाहते हैं कि थोड़े दिनों पहले तक तो शुभेंदु अधिकारी जो थे वो टीएमसी में ही थे, अब उनके विचार एकदम से कैसे बदल गए? पहले आपको बता दिया, उसने चोरी पकड़ गया इसीलिए दल छोड़ दिया, चोरी पकड़ में आ गया, जैसे चोरी पकड़ में आ गया उसे पता है। अच्छा ये बताइए, जब तक टीएमसी में थे तब तक शुभेंदु अधिकारी अच्छे थे, अब अचानक से बीजेपी में जाते बुरे कैसे? ये हम लोग नहीं बोल रहे कि शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे तब तक सही थे, वो टीएमसी में रह के गलत कांड करके उसने सोचा कि मेरे को अपना पीठ बचाना है तो निकल के चला गया। चलिए, अपने आप को बचाने के लिए पार्टी चेंज करी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बिल्कुल ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पर महिलाओं से कुछ बात कर लेता हूँ, फिर आप सभी बात आओ। आप देखिए बहुत वोकल है पॉलिटिकली, बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत खुलकर बात हो रही है, कोई खुलकर बात कर रहा है। ये बताइए, अकेली सीएम है पूरे देश में समय, अकेली महिला सीएम है और इतनी मजबूत सीएम है कि भाजपा को सीधे टक्कर दे रही है, ठीक है, अब ये बताइए ऐसे में, मैं यहाँ दिल्ली से जब आया मैंने यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प तस्वीर देखी वो ये कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनावों में, तो यहाँ पर महिलाएं पहले से चुनावों को लेकर इतनी आकर्षित थी या इस बार ममता बनर्जी को जितवाने के लिए महिलाएं आगे आ रही है? जी बताइए, ममता बनर्जी को जिताएंगे, ये बताइए आप खुद से ये फैसला कर लिए या परिवार में ऐसा होता है ना? देखिए ऐसा होता है परिवारों में कि महिलाएं जो होती है जो पति बता देते हैं ससुर बता देते हैं उस पर कैसे चल देती है? कोई दवा हो तो नहीं, खेला होवे। ये बताइए खेला होवे, देखिए मेरे को एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो लगातार ये बात पूछते हैं कि खेला होवे का आप लोगों के बीच तो मतलब बिल्कुल साफ है, लेकिन खोला होवे का अगर हिंदी पट्टी वाले जानना चाहें तो मतलब क्या है इसका? उन्नयन का खेला होगा, खेला होगा का मतलब पूरे बंगाल में उन्नयन होगा, तो उसी को बोलते हैं क्या उन्नयन? क्या मतलब थोड़ा समझिए, रास्ता पानी बिजली हॉस्पिटल ये सब का उन्नयन होगा तो इसको बोलते हैं खेला होगा। अच्छा देखिए अब इसमें तो ये बात हो गई ना, यहाँ खेला हुए अगर आप बता रहे हैं कि विकास होगा, सड़क बनेगी, पानी बनेगा, ये सब आएगा, नई नई चीजें आएंगी, तो ऐसे तो मोदी भी कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा और बढ़िया विकास हो जाएगा। जुमलाबाज मोदी जुमलाबाज है, पूरे देश घूमता है, पूरा देश घूम के उसने एक ही भाषा सीखा है कि हर जगह पे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ क्या किया अब बताओ मेरे को। अच्छा 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुए तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा जो है उनकी
उसको 40% वोट शेयर कैसे मिल गया? नहीं, उन्होंने कुछ वादा किया था, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल स्पष्ट बताइए। एक आदमी उन्होंने कुछ वादा किया था, उसी हिसाब से पब्लिक ने वोट दिया था, लेकिन जब देखा 19 साल से 21 साल तक कोई उन्नयन नहीं हुआ, तो 100 साल में कैसे परख लिया आपने? अरे परख लेगा ना आदमी, बोलता है एक साल के अंदर इतना नौकरी मिलेगा, इतना रेशन मिलेगा, इतना पब्लिक को ये सुविधा मिलेगी। अच्छा देखिए चाचा भी कुछ कह रहे हैं, बड़े उत्तेजित हो गए। चाचा आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे बात करिए। चाचा सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप रहते कहाँ हैं? हम ये रहते हैं, यही रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी जी की सरकार रही इतने साल, इतने बरस से सरकार रही, आपके जीवन में क्या विकास हुआ? सीधे स्पेसिफिक। बहुत कुछ विकास हुआ। ये जो बच्चा लोग के जब पेट में बच्चे को है ना, औरत का, वो बच्चा को सीधा पोसता है वो, मतलब जब प्रेग्नेंट। अच्छा एक एक आदमी से मतलब उनका सीधा संबंध संपर्क है, ठीक है। से लेके मरण तक हर सहूलियत दिया है ममता बनर्जी ने। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल माइक आ जाने दीजिए। अच्छा माइक आ जाने दीजिए, ऐसे मत करिए, माइक आ जाए। इधर आइए दादा, दादा माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिएगा तब सुनाई दीजिएगा ना। जी का इतना बड़ा झूली है, झूली में कन्याश्री है, युवश्री है, रूपश्री है, बाध्यकता है, ताप शास्त्र है और हैंडीकैप है, इतना झूली में ऑफर है, दे रहा है और वोट मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं 2019 को देखते हुए और आज की जो तस्वीर है उसे देखते हुए एक बात कह सकता हूँ कि शायद आप लोग जो है प्रधानमंत्री के लिए मोदी को पसंद करते हो, लेकिन सीएम का चेहरा नहीं उनकी पार्टी से देखना चाहते हैं। मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, वो प्रधानमंत्री होने का लायक नहीं है उसका, वो प्रधानमंत्री, वो कोई प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का योग्यता नहीं है, वो तो जुमलाबाद कर रहा है सब। अच्छा ठीक है, ये बताइए, देखिए एक चीज और साहब, क्योंकि मैंने भी सामने तस्वीर देखी, ठीक है सामने लेफ्ट वालों की तस्वीर है, ये बताइए बीजेपी टीएमसी की फाइट तो सीधे सीधे पूरे देश को पता चल रही है, ये लेफ्ट वाले कहाँ चले गए? लेफ्ट वाले कहाँ से आ गया, कहाँ से जुड़ गया, ये तो किसी को पता भी नहीं है। अरे लेफ्ट वालों का तो सबसे बड़ा दबदबा था भैया, आप भूल गए। नहीं मैं ये बात, मैं ये सवाल क्यों किया, देखिए सब शांति से सुनिए, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि अगर लेफ्ट वालों का भी दबदबा होता और लेफ्ट वाले भी खुल के वोट देते तो आपको पता है इससे घाटा बीजेपी को हो सकता था, लेकिन लेफ्ट वाले नहीं, लेफ्ट वाले नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ लेफ्ट हो गए, तो ये गए कहाँ? क्योंकि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया, टीएमसी वालों ने संघर्ष करके आप निकल के बाहर आए। साल में और 34 साल में 65,000 मास्टर को निकाल दिया बाहर, स्कूल का मास्टर को सर्विस क्या देंगे, 65,000 मास्टर को दे दी, बाहर निकाल दिया, और बमपॉन्ड क्या 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 नहीं किया, ICDS का 11 साल पैसा खा गया, और क्या खाएंगे, बमपॉन्ड बामपॉन्ड का नाम कोई नहीं लेगा। अच्छा बाहर क्या है, चाचा बाहर क्या है, बाहर वोटिंग को लेकर ना तमाम तरीके की बातें होती हैं कि पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग प्रक्रिया जो होती है उसको प्रभावित किया जाता है, यहाँ पर तमाम तरीके की और भी खबरें आती है, यहाँ पर सब शांतिपूर्ण नजर आ रहा है, सब शांति है, एकदम फर्स्ट क्लास सही तरीके से वोट हो रहा है। अगर बीजेपी वाले चार आ जाते हैं तो आपका झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मुश्किल नहीं, बीजेपी वाला आएंगे नहीं, वहाँ पे सारा बीजेपी ने बहुत एक कर रहा है दबदबा, उनका लड़ाई भी हो रहा है, सुबह से बमबाजी भी कराया उन्होंने। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जहाँ दबदबा है वहाँ पर इस तरीके की हिंसा हो रही है? लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कितना बाहर का कहाँ का, बाहर का कहाँ, बाहर से पश्चिम बंगला का, बाहर से शुभेंदु आदमी लेके आया, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है भैया, बाहर का आदमी कैसे आया? भांगावेड़ा में प्रशासन नहीं है, उधर टीएमसी का एजेंट नहीं बैठने दे रहा बीजेपी। प्रशासन तो आपके हाथों में है ना, ममता बनर्जी के हाथों में, इधर अच्छा आदमी है, इधर अच्छा वे है, बूथ है, उधारी कमीशन बोल रहे। मुझे बैठे बहुत साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आ गए यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं, तो जब जिला प्रशासन ही जब इनके हाथों में है तो फिर क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है? जिला प्रशासन तो ममता के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन का हाथ में, ऐसे हाथ में नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, वो तो रोज रोज आइन बदलना चाहता है, रोज रोज बदलने वाली स्थिति हो रही है। ग्राउंड पे ये बताइए आप सब लोग, तो चलिए ठीक है हो सकता है कि आप सब लोग टीएमसी समर्थक हो, बीजेपी समर्थक कहाँ है? नजर में नहीं है, आप देखो ना कहाँ मिल रहा क्या? तो रैलियों में तो इतनी भीड़, अपार भीड़, बाहर से लाने वाला, सारे बाहर से आने वाला यहाँ का, नहीं नहीं मुझे इतना समझा दीजिए, मेरे दर्शकों को इतना समझा दीजिए, रैली में तो भैया विशाल का भीड़ देख लो, सारे बाहर से आने वाला, बाहर का इतना लाख आदमी बाहर का, और जला से बाहर का आदमी आता ना, इसलिए तो रैली में तो भीड़ होंगे। ठीक है ठीक है, एक एक करके बोलिए, ये बताइए
बाहर का आदमी आता है, ये आपको कैसे पता? अरे मालूम है ना, हम लोग का तो गांव में बाहर का आएगी तो हम लोग तो मालूम है ना। तीस आदमी काशी में पकड़ गया बाहर का आदमी। अच्छा ऐसा, देखिए देखिए देखिए, एक मिनट, सब चुप हो जाइए, सब एक मिनट चुप हो जाइए, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा। ये बताइए, हर ऐसे चुनावों में चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है कि साइलेंट वोटर तो नहीं कहीं बैठा है, साइलेंट वोटर आखिरी में कहीं और कुछ और खेला कर दे, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं? आप लोग तो खुलकर कह रहे टीएमसी, लेकिन घर के अंदर बैठे चार लोग आखिर में वोट डाल के खेला करते, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो हमारा आदमी है ना, कैसे होंगे? हम बोलेंगे जैसे तो वैसे ही वोट देंगे ना। अरे आप कैसे बोलेंगे, उन अधिकार है हमारा, और तो हम बोलेंगे ना। गोली गोली में शोर है, बच्चे बच्चे में शोर है, सुवेंदु चोर है, गोली गोली में शोर है। चलिए तो खेला हुए, सोनार बांग्ला की स्थापना नहीं देख रहा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम, मोदी जी कह रहे सोनार बांग्ला कर देंगे। सोनार बांग्ला तो पहले तो सोनार बांग्ला को क्लियर बांग्ला में नहीं बोल पा रहा है, सोनार बांग्ला बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, यहाँ की जो जमीनी तस्वीरें वो ये दिखाती हैं कि यहाँ पर हर किसी का अपना पक्ष है, लेकिन हम अगले पोलिंग बूथ पर आए, यहाँ भी हमने जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ है। देखिए पुलिस का जो चक्कर है वो लगातार लग रहा है, यहाँ पर पूरी पेट्रोलिंग हो रही है, ऑब्जर्वर जो है लगातार घूम रहे हैं, और जहाँ पर भीड़ नजर आती है वहाँ खदेड़ा भी जा रहा है। फिलहाल दूसरा पोलिंग बूथ हमने जो कवर किया, यहाँ पर शांति जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। इसी तरह हम आगे भी और भी अपने पोलिंग बूथ जो है उसको कवर करेंगे और आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।